आखिरकार तमाम रुकावटों के बाद में आज अय्यारी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी की रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको पैडमैन की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने पैडमैन से बचने के लिए अपनी तारीखें खूब चेंज की, लेकिन फिर भी पैडमैन का असर तो कम ही नहीं हो रहा। बॉक्स ऑफिस पर आज अय्यारी का पहला दिन है, वही होगा पैडमैन का नौवां दिन। उसके बावजूद पैडमैन अय्यारी को देने वाली है ऐसी टक्कर की शायद ही ऐसी टक्कर आज तक मिली हो। जी हां, अय्यारी का पहले दिन का कलेक्शन नहीं होने वाला है कुछ खास, क्योंकि पैडमैन पर अभी भी है लोगों का राज। अपने नौवें दिन भी पैडमैन अच्छी कमाई करने वाली है और आंकड़ों के मुताबिक अय्यारी को पहले दिन का कलेक्शन ज्यादा नहीं मात्र 5 से 6 करोड़ मिलने वाला है। और बात करें पैडमैन की तो पैडमैन अपने 9वें दिन भी 5 से 6 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों का क्लैश तो हो ही गया और दोनों ने बराबर की कलेक्शन की है। लेकिन बात करें अय्यारी का ये पहला दिन है और पैडमैन का नौवा, तो ऐसे में पैडमैन की ही जीत हुई और सिद्धार्थ की अय्यारी को यहाँ पर पैडमैन की मार तो खानी ही पड़ गई। सोशल इश्यूज को लेकर बनी पैडमैन अब तक अपने 8 दिनों में 80 करोड़ के लगभग व्यवसाय कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि अय्यारी कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी। अय्यारी का बजट भी काफी लंबा चौड़ा है, यानी कि 65 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई अय्यारी को हिट होने के लिए लगभग 70 से 75 करोड़ की कमाई तो करनी ही होगी, लेकिन पैडमैन के आड़े आने से ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अक्षय कुमार ने यहाँ पर सिद्धार्थ को मात दे ही दी। बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो, ताकि खबर हम आप तक लाए सबसे पहले।